टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा प्रभाग समिति के अध्यक्ष रह चुकी अश्विन राउत आज मुंब्रा में मनपा कर्मचारी और डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, दमकल कर्मचारियों को आज कोरोना योद्धा का अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया है। MM मौली स्टेडियम में भी कोरोना अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को ये अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। ये सम्मान चिन्ह NCP पार्टी की तरफ से अश्विन राउत ने मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी, दमकल विभाग के कर्मचारी टीम M मिश्रा और सभी दमकल कर्मियों को ये अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया है। इसके अलावा शहर के और भी पत्रकारों को ये सम्मान चिन्ह दिया गया है और मेडिकल ऑफिसर अरुण गावड़े, डॉक्टर इमरान खान को भी कोरोना योद्धा का ये पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान दमकल कर्मचारी और मनपा अधिकारी और अश्विन राउत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, कोविड की बीमारी जो है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, पूरी दुनिया में फैली हुई थी और ये खौफ का माहौल फैला हुआ था। ऐसे माहौल में जो है हमारे अधिकारी वर्ग, सबसे जो अहम चीज़ रहती है सफाई का मामला आता है। सफाई के मामले में जो है हमारे सफाई कर्मचारी, फिर जो दवाओं का छिड़काव करना, हमारे फायर ब्रिगेड का जो पूरा टीम थी उन्होंने, फिर उसके बाद में हमारी जो मीडिया है जो लोगों तक हमारे मैसेजेस को पहुंचाने वाली थी, उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स से लेकर सब छोटे बड़े हर डॉक्टर ने जो है यहाँ पे मेहनत की है। पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों को जो है कानून रूल्स के हिसाब से चलने पे उन्होंने मजबूर किया हम लोगों को, जिसकी वजह से आज ये हाल आपने देखा होगा कि आज मुंब्रा जो है पूरी तरीके से कोविड फ्री दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो है कोविड फ्री अगर कोई एरिया हुआ था तो वो था मुंब्रा। इसके लिए मैंने जो है ये सीख सोची कि हम ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनका सत्कार तो कर ही सकते हैं। इसीलिए मैंने उनको एक ट्रॉफी बना के दी है, मेमोरेंडम जो है इनको बना के दिया है कि एक याददाश्त के तौर पे रहे। सर, हमारे लोग तो हमेशा ये हर पब्लिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा कोई दुर्घटना हो या समाज सेवा हो या किसी के बारे में कोई भी ऐसा आपदा आती है तो हमारे लोग हमेशा काम करते हैं और मैं अश्विन मैडम का धन्यवाद करूंगा कि हमेशा हमारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते आई हैं, इसलिए हमारा जब मनोबल बढ़ता है। पूरी ऑल इंडिया में पहला जीरो होने का नाम अपने मुंब्रा को मिला। तो सब लोगों ने जो मेहनत की, हमारा जो स्टाफ है, फायर ब्रिगेड है, हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर की टीम है, हमारी पूरी नर्सेस की टीम है और जो कोविड वॉरियर है और आप लोग पत्रकारों ने जो हमको टाइम टू टाइम सपोर्ट कर दिया और पब्लिक को कन्विंस कर दिया, पब्लिक को मोटिवेशन बढ़ा दिया और जो रिस्ट्रिक्शन है मास्क का, सैनिटाइजर का, इसकी जो गाइडलाइन है कोविड की, वो गाइडलाइन के हिसाब से सैनिटाइजर एरिया करने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल बीमारी ने अपने एरिया में आने देने की ऐसी कोशिश करने वाले हमारे मिश्रा साहब ने पहले सब एरिया अपना गली टू गली, हाउस टू हाउस, रोड टू रोड सैनिटाइजर कर दिया, उसी में आप 70% कवर हो गए। मेरा नाम डॉक्टर अरुण गावड़े, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ शिलफटा आरोग्य केंद्र में। तो कोविड जहाँ से जब से स्टार्ट हो गया तभी से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो हर एक के मन में एक शंका थी कि भाई मुंब्रा सबसे अपने को हैंडल करने में टफ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, लेकिन यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी है, जैसे कि गोसावी साहब है, यहाँ के पहले महेश आहिर साहब थे, जोशी साहब, मनीष जोशी साहब थे, इन्होंने जो यहाँ पे जो पकड़ बना के रखी थी कि वो पकड़ के वजह से हम लोगों को, हमारा डॉक्टर का काम क्या है कि इलाज करना, लेकिन वो पब्लिक तक पहुंचना, पब्लिक को उनके जो कुछ गैर समझ है, उनके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको निकालना, तो इसमें प्रशासन का हमको बहुत अच्छी तरह से हेल्प हो गया। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है, मैं अरुण सर के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, उनके अंडर में। जब से कोविड स्टार्ट हुआ जब से हम लोग काम कर रहे हैं, शुरू में कुछ डिफिकल्टीज आई थी, बट TMC से ताल्लुक रखने वाले जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले थे, फायर ब्रिगेड वाले हो गए, इवन पुलिस वालों ने शुरू में पब्लिक को लगा के बहुत सख्ती है, मगर धीरे धीरे पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यही वजह है कि आज जो कोविड है वो समझ लीजिए कि ना के बराबर है मुंब्रा में।